उत्तर प्रदेश के मथुरा दौरे पर आए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं प्रदेश के महामहिम राज्यपाल राम नाईक ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान केंद्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का संयुक्त रूप से अनावरण किया है। इस कार्यक्रम में जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल अपना भाषण दे रहे थे, वहीं मथुरा के सांसद हेमा मालिनी मंच पर सो रही थीं। आप तस्वीरों में स्वयं देख सकते हैं कि किस प्रकार मथुरा की सांसद अनेक गणमान्य लोगों की मौजूदगी में सोती नजर आईं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मूर्ति अनावरण करने के बाद अपने संबोधन में कहा है कि दीनदयाल जी भारत को भारत की दृष्टि से देखना चाहते थे। उनका मानना था कि यदि हम भारत को पाश्चात्य दृष्टि से देखेंगे तो देश विकास नहीं कर सकता है, लेकिन कहा उन्होंने ये भी कहा कि हमारे धर्म स्थल सामाजिक सांस्कृतिक चेतना का आधार होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि दीनदयाल जी का मानना था कि राजनीतिक दलों का उद्देश्य सत्ता प्राप्त नहीं होना चाहिए, वैचारिक अधिष्ठान पर होना चाहिए और भाव का भव की दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए। इसके बाद प्रदेश के राज्यपाल महामहिम राम नाईक ने अपने संबोधन में कहा है कि दीनदयाल की मूर्ति का अनावरण करके बेहद खुशी हुई है और मूर्ति विचारों को अभिव्यक्ति होती है। तो उन्होंने ये भी कहा कि आज देश प्रदेश में मथुरा से बदलती तस्वीर नजर आ रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 195 करोड़ रुपए की विकास योजना का लोकार्पण भी किया, जहां पर 214 करोड़ रुपए की योजना का शिलान्यास भी किया गया। उत्तर प्रदेश से फरहान खान की रिपोर्ट।